नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आप लोगों के द्वारा बहुत सारी बीमार मुर्गियों के वीडियो मुझे भेजे गए हैं, मैं इनका इलाज बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार कुरैशी भाई, कुरैशी साहब, मैं आपको जो एक बच्चा दिखा रहा हूँ, इसमें जो है ये 4 महीने का जो है हो गया है पूरा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे कि एक गुब्बारे टाइप में, किसी गुब्बारे में हम हवा भर देते हैं, बिल्कुल उस तरीके का जो है ऐसा हो रहा है। ये देखो देखो, ये बिल्कुल जैसे हवा भर दी हो गुब्बारे में। यहाँ भी देखो आप जो है, ये दिख रहा भैया ये वाला, देखो कैसे गुब्बारे की तरह हवा भर रही है। इसमें भी जो है ये रहा, ये बिल्कुल जैसा कि, और ये बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल भी ठीक चुग रहा है, पानी पी रहा है, ठीक ठाक है, एक्टिव है, भग भी रहा, दौड़ भी रहा है, लेकिन सिर्फ दिक्कत जो है, दिक्कत सिर्फ यही है कि इसमें जो है, इसमें सिर्फ जो है पानी भर रहा है। सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि समस्या क्या है। तो आप इसका इलाज जान लेते हैं। आप जहाँ पर दाल चावल राशन पानी तेल मिलता है, उस किराना स्टोर में जाइएगा और वहाँ यह बोलिएगा कि मुझे सिरका दे दो। सिरका आता है जामुन का, सेब का, जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। वह 4 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से जितनी आपके पास मुर्गियां हैं सबको पीने को दिया करें। सारी मुर्गियों में ये हवा भरना, बॉल टाइप होना, यह सब ख़त्म हो जाएगा। इन मुर्गियों को मैं बीच में आधा घंटा, 1 घंटा कभी हर दिन आधा घंटा 15 मिनट फिर इन छोड़ता हूँ, और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इनको मैं बंद करके, यानी कि पूरा अंधेरा रखता हूँ सुबह 8 बजे तक, शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। क्या इनके जीवन में इससे कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होता? हमारे दादा जो हमारे कश्मीर में होते थे, वो रात को बंद करते थे मुर्गी, पूरा अंधेरा, वो सुबह खोलते हैं, वही करते हैं हम भी। क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इनमें? मैंने 8 घंटा पूरा अंधेरा रखता हूँ। आपके कश्मीर वाले दादाजी भी बहुत अच्छा करते थे और आप भी बहुत अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 8 से 10 घंटा रात में अंधेरा करते हैं तो? नमस्कार मिसेस भाई, मैं महाराष्ट्र से मंदार बात कर रहा हूँ। मेरे ये अभी 20 दिन के चूजे हैं, इनका 14 दिन वाला वैक्सीन हो गया है, तो उसके होने के बाद 2 दिन में इनको CRD की समस्या, मतलब गले से घर घर की आवाज़ का आना शुरू हो गया था। इसके लिए मैंने टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2-3 दिन चलाई है, तो अभी 21 दिन वाला वैक्सीन कब करें? अभी 21 दिन में करें या थोड़ी देर दिन बाद करें, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ तो आपका यह कहना है कि CRD के कारण आपका जो रेशो है 21 दिन वाला वो गड़बड़ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सारी वैक्सीन सप्ताह के हिसाब से हुआ करते हैं। पहले सप्ताह में जैसे हम F1 देते हैं रानीखेत बीमारी के बचाने के लिए, तो सप्ताह, 1 सप्ताह के अंदर कभी भी दे सकते हो किसी भी वैक्सीन को करने के लिए। 1-2 दिन 4 आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, पहले बीमार मुर्गियों को ठीक कर लें फिर कर दीजिएगा, ठीक है भाई साहब? यह मेरा मुर्गी ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं, खाना पीना सब बंद है, ऐसे पीट कर रहे हैं। जिस भैया ने मुझे यह वीडियो भेजा था, मैंने उनको नीचे लिखकर पूछा कि भैया ये कहाँ का वीडियो है, तो उन्होंने बताया कि भैया ये रायगंज दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का वीडियो है। तो वेस्ट बंगाल वाले भाइयों, बायो सिक्योरिटी का पालन करें, मुर्गियों का इम्यून सिस्टम मजबूत रखने की कोशिश करें। दिनाजपुर के आसपास, रायगंज के आसपास, वेस्ट बंगाल में रानीखेत की बीमारी चल रही है। और जिन भैया ने मुझे वीडियो भेजा है उनके लिए बता दूँ कि विटामिन ई और विटामिन सी कंटिन्यू इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए देते जाइए, बाकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसका पहले ही वैक्सीन होता है जो हम लोग नहीं करते हैं। नमस्कार महसूस सर, मेरे चिक्स हैं जो इस प्रकार से पतली बीट कर रहे हैं, बताइए मैं इनके लिए क्या मेडिसिन दूं और कैसे क्या करूं, बताइए। जो कि मेरे अभी छोटे छोटे चिक्स हैं, ये 10 दिन के मेरे डबल FG के चिक्स हैं,
जो कि ये इस प्रकार बीट कर रहे हैं। आप जितने भी वीडियो मुझे भेजते हैं, मैंने पहले ही 10-10, 15-15 वीडियो एक एक बीमारियों पर बना चुका है, ऊपर आई बटन पे ये प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और जैसे इस बालक ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो तीन पाउडर का नाम बता रहा हूं मैं, एम्प्रोलियम, सुपरकॉक्स, कंप्रोएच, इन तीन में से कोई एक पाउडर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 100 चिक्स के हिसाब से 3 दिन चला दीजिएगा, यह तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाएगी। सर, मेरे चिक्स को ये सफेद सफेद दाना सा आ गया है मुंह पे, इसका दवा बताइए सर। इस चिक्स को फाउल पॉक्स की शुरुआत है, जिसको हम चेचक माता बोलते हैं। तो बहुत सारे वीडियो चैनल पे जाके देख लें, इलाज कर लें, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो अब समय आ गया है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जो लोग मोबाइल को खड़ा पकड़ के वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो शामिल भी नहीं किए जाते, उनको रिप्लाई भी नहीं दिया जाता है। जो लोग मोबाइल को लिटा के आड़ा करके दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं, साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, उसमें समस्या बोलकर बताते हैं, उनको मैं रिप्लाई दिया करता हूँ। यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूँ, अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।